गोंडी के गुजुआ गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक बेटी ने बीड़ा उठाया है। बालोद जिले के गुजुआ गांव में रहने वाली नीलिमा श्याम ने 2 साल से खुद स्नातक की प्राइवेट तौर पर पढ़ाई करने के साथ ही अपने कच्चे आशियाने में गांव के लगभग सैकड़ों बच्चों को वो पढ़ाई करा रही है। यही नहीं, स्कूली सिलेबस के अलावा जिंदगी जीने के लिए बच्चों को संस्कारी भी बना रही हैं। इन सब के बाद भी वो मजदूर पिता व मितानी माँ का भी घर में पूरा हाथ बटा रही हैं। मतलब मेरे 2 साल हो गया है ना, और मैं पढ़ते पढ़ते जब मैं गांव में आती थी, बाहर से पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो लगता था कि बच्चे लोग जब खेलते कूदते थे वो ऐसे ही है ना, तो फिर अपने आप में लगता था कि हमारे बच्चे लोग भी कुछ करें गांव के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे को वही लगा कि नहीं, हमको हम पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े तो हम ये जागरूकता क्यों ना उठाएं। मतलब मेरे 2 साल हो गया है ना, और मैं पढ़ते पढ़ते जब मैं गांव में आती थी, बाहर से पढ़ी लिखी लड़की हूँ,